हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोगों, बात ऐसी, रात का समय था, गेम खोला और लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया गाइस। दे मुक्के दे लात, बड़ा मज़ा आया गाइस। बट मैंने वो वाली टीम चेंज कर दी, बिल्कुल नई टीम है गाइस। टोगेकिस के लिए बहुत डिमांड आ रही थी, मैं चलो एक बार ट्राई करते हैं भाई। तो इसके जो मूव सेट है ये मेरे पास, तो मतलब मैंने एरियलेस ऐसे ही रखा हुआ है। वैसे एंशिएंट पावर भी बहुत बढ़िया है गाइस। इसका रीज़न गाइस एक ही एरियलेस का, क्योंकि विनर्स और आ जाता है उसके लिए अच्छा है गाइस। तो ये अभी पहला गेम जो देख रहे हो गाइस, सोचो कि प्रवीण भैया पहला गेम हमेशा का ऐसे ही होता है गाइस, क्या करें। पहला गेम मैं ऐसे इसलिए खेलता हूँ ताकि इंट्रोडक्शन हो सके गाइस। अभी इसमें मैं मतलब ख़तरनाक जीता हूँ गाइस। और इस गेम में जो हमारा मेन पोकेमोन है गाइस, इन मतलब ये जो आप 5 की सीरीज देखोगे, इससे मेन पोकेमोन हमारा ड्रैगनाइट है गाइस। और ड्रैगनाइट ले नहीं रहा था बट मैंने ट्राई किया गाइस और काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला ड्रैगनाइट का। तो हमारा चलो भाई देखा जाए ड्रैगन टाइप क्या परफॉर्मेंस रहेगा। तो गाइस जब सीरियस मैच शुरू होता है गाइस यहाँ से, तो सामने ड्रैगन टाइप पोकेमोन था, तो मुझे इसके पॉइजन से डर था बट उसने हमसे पहले स्विच कर लिया है ना, कितनी अच्छी बात है। और इसके बाद हमने भी स्विच कर लिया गाइस। भाई मतलब मैं भी स्विच करने वाला था क्योंकि वो जो पोकेमोन था वो पॉइजन टाइप था, मुझे डर लग रहा था। फिर वही हमने देखा, चलो भाई जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो मैंने स्विच किया, तो यहाँ पर अलोलन मक का इतना कुछ बढ़िया रोल मुझे लगा नहीं, बट सामने वाले बंदे ने शील्ड यूज़ नहीं की। और यहाँ पर हम लोग इस पर पॉइजन मारेंगे डायरेक्ट, मैं मतलब सीधे सीधी बात कर रहा हूँ गाइस, डार्क अटैक से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर डार्क अटैक करके फ़ायदा गया, सामने वाला पता नहीं शील्ड घर लेके जाएगा, दहेज में मिली है शील्ड उसको ऐसा लग रहा है गाइस, यूज़ ही नहीं कर रहा। तो गाइस अब तो उसको यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि डार्क अटैक पड़ने वाला है, बट नहीं कर ली उसने। तो भाई लोगों ये जो गेम प्ले है मतलब मस्त लगा मेरे को यार। मुझे हर टाइम लग रहा था कि भाई ये गेम तो मैं जीतूंगा। और जीत भी गया गाइस। बस मुझे डर था कि यार ये, इसके बाद मुझे आउटरेज का बहुत डर था गाइस, मुझे लग रहा था इसके बाद आउटरेज पक्का होगा। मैंने इसलिए शील्ड यूज़ कर ली बट इसने आउटरेज नहीं मारा, कितनी हैरानी की बात है गाइस। और जिस चीज़ का डर था गाइस वो चीज़ यहाँ पर हो गई, आउटरेज। बट कोई ना, अपने पास यहाँ पर एरियल एस है, ये थोड़ा मतलब बढ़िया करेगा गाइस। तो कोई बात नहीं, अपन ये मैच इजीली जीत गए गाइस। ड्रैगनाइट से मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट ठीक है गाइस। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई टीम नहीं आई, मतलब आई थी गाइस बट फिर भी अपन ने अच्छा खेला। मतलब मैं कहने वाला था ना, तो स्नो, अगर कोई टीम ऐसी आ गई स्नो टाइप वाली आ गई, और स्नो बोल रहा हूँ, आइस टाइप आ गया और फेरी टाइप पोकेमोन अगर एक साथ आ गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है गाइस, बट ऐसा कुछ अभी आया नहीं। यहाँ पर हमारे सामने स्नोरलैक्स है, तो स्नोरलैक्स के लिए गाइस मुझे थोड़ा सा मैचअप को थोड़ा मैंने मिस किया, यहाँ पर उसकी याद आई थी कि अगर मैचअप होता हमारा तो भी मतलब खेल ख़त्म कर दिया होता गाइस। मैचअप की अगर बात करें गाइस, तो मैचअप बहुत ही बढ़िया पोकेमोन है इस लीग के लिए। बहुत सारे पोकेमोन को वो अकेले कवर कर रहा है गाइस, सारे स्टील टाइप को अकेले ले रहा है गाइस। स्टील टाइप में बहुत सारे पोकेमोन है गाइस, बहुत सारे, नाम भी लेंगे तो थक जाएंगे। मैग्नाजोन हो गया गाइस, ठीक है, मेटाग्रॉस हो गया, ऐसे बहुत सारे पोकेमोन है गाइस, तो उनके लिए भैया बहुत बढ़िया है। तो इधर आप मैच देखेंगे उसमें बहुत सारे पोकेमोन की कमी लग रही है गाइस। तो मैच में आ गए तो इस पर हम लोग सीधे जहरी फेंकेंगे गाइस। तो यहाँ पर आप स्लज वेव, स्लज वेव मैंने चेंज कर दिया था गाइस इस मैच के बाद, मैंने स्लज वेव चेंज कर दिया था गाइस, क्योंकि स्लज वेव थोड़ा टाइम लगा रहा था तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। अभी कोई अगला गेम प्ले आएगा तो मैं दिखाऊंगा मैंने क्या अटैक रखा है गाइस, पॉइजन अटैक ही है। तो गाइस अब लास्ट पोकेमोन बचा और हमने दो पोकेमोन है, तो ये भी हम जीत जाएंगे। सामने डार्क टाइप, डार्क अटैक करने वाला पोकेमोन है गाइस, डार्क और पॉइजन करेगा बट पॉइजन का इतना मुझे लग नहीं रहा, एसिड स्प्रे था साइड, हाँ एसिड स्प्रे था। तो कोई बात नहीं गाइस, अपन ये वाला मैच इजीली जीत जाएंगे क्योंकि अपने पास अभी ड्रैगनाइट बचा है, शायद ड्रैगनाइट ही बचा है, शायद ड्रैगनाइट को इतना दिक्कत नहीं है डार्क अटैक से। ड्रैगनाइट को ज़्यादा दिक्कत इसके पॉइजन से है बट इसका पॉइजन भी कुछ खास नहीं है, तो इसके पॉइजन में दम नहीं है भैया। इसका डार्क अटैक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, देख रहे हो, कुछ भी नहीं बिगाड़ा। काफ़ी मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगनाइट कुछ कर पाएगा, मतलब लड़का यार सही खेल गया यार, सबसे बिगड़ा हुआ लड़का हमको लग रहा था ड्रैगनाइट। तो ये ड्रैगनाइट मुझे मिला था जंप रिसर्च एक आती, जंप करी हुई रिसर्च थी गाइस, जंप स्टार्ट रिसर्च थी गाइस। तो ये बहुत मस्त गेम हुआ गाइस, यहाँ पर ये बंदा साइकिक अटैक कर रहा था, साइकिक अटैक मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है गाइस। मेरे पोकेमोन्स मतलब एक अपना मक है जो कि मतलब साइकिक को झेल सकता है, बाकी तो यहाँ पर अपन ने इसको
सामने ये वाला पोकेमोन लिया है, मैं एक्चुअली कंफ्यूज था किसको लूँ यार, ड्रैगनाइट लूँ कि ना लूँ, क्योंकि ड्रैगनाइट मैंने इसलिए लिया अगर मैंने बाई चांस को जल्दी हरा दिया तो वो अपना वो पोकेमोन लेके आ जाएगा क्लियर, और फिर भैया दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइस बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग यार, ये अटैक बहुत फास्ट है गाइस, डार्क पल्स अटैक है, बहुत मस्त है गाइस। और अलोन मुक को मैंने स्पेशली इसीलिए यूज़ करता था गाइस क्योंकि ये बहुत काम आ रहा था उस टाइम, तो प्रीमियर कब था ही नहीं, तो जब हम लोग इसको यूज़ किया करते थे गाइस गिराटिना के लिए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन था ये। तो यहाँ पर अब हमारे सामने एक वही बचा है, और चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ये डर था गाइस, और वो डर यहाँ पर मतलब क्लियर भी हो गया गाइस, इसीलिए मैं ड्रैगनाइट को लेके नहीं आ रहा था, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये मैच हम जीत चुके हैं गाइस। सामने वाला बंदा समझ गया था कि प्रवीण भैया से पंगा नहीं लेना है। सो गाइस अब एक बात बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हो यहाँ तक पहुँचे हो देखते देखते गाइस, एक लाइक जरूर कर देना गाइस, कमेंट भी जरूर करना, और गाइस अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है गाइस। तो गाइस सामने गोस्ट और पोजन टाइप पोकेमोन है, तो कुछ खास इफेक्ट नहीं है चांग का इस पर, बट हम लोगों ने इसको रखा है गाइस, तो इसके ऊपर सबसे हमारा जो बढ़िया इफेक्टिव है वो यहाँ पर ड्रैगनाइट ही है गाइस, तो ड्रैगनाइट को इसीलिए मैं लेके आ गया। ड्रैगनाइट को सबसे ज़्यादा दिक्कत ड्रैगन आइस और फेरी, इनसे बहुत दिक्कत है गाइस, और रॉक इनसे बहुत दिक्कत है गाइस, लगभग मतलब काफ़ी से दिक्कत है इसको, बट ये काफ़ी बल्कि पोकेमोन है, अगर इसको हम लोग मास्टर लीग प्रीमियर कप में देखें तो बहुत बल्कि है गाइस, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको इतना। वीडियो की स्पीड खूब अच्छी कर रखी गाइस। तो यहाँ पर इसका हैवी स्लैम है शायद, स्टील टाइप अटैक है, ओके स्टील टाइप अटैक था गाइस, तो वही अपना निकालना पड़ेगा, फेरी टाइप पोकेमोन। सो गाइस काफ़ी मतलब एक मतलब टीम ही मुझे ऐसी मिल रही है, तो मेटाग्रॉस गाइस आ गया, तो मेटाग्रॉस के लिए सबसे मतलब खतरनाक पोकेमोन अपना अलोलन मकी है गाइस, डार्क टाइप अटैक करेगा, और डार्क टाइप पे सुपर इफेक्टिव है गाइस, सुपर इफेक्टिव, और उसका अर्थ क्विक भी मेरे पे सुपर इफेक्टिव है, बट अपने पास एक शील्ड भी है, प्लस उसका अर्थ क्विक इतना जल्दी आएगा नहीं, और ये हम लोग मैच जीत गए गाइस। इसमें मतलब चीज़ देखना गाइस, लास्ट में क्या सब कुछ सेम होगा गाइस, जो हमारी पिछली वीडियो में था सेम वही हो रहा है यहाँ पर, ड्राटिनी फिर से मिल गई गाइस, ड्राटिनी मिल रही है गाइस, क्या करूँ बताओ, मैं सोच रहा था लोग बोलेंगे भाई प्रवीण वही वीडियो दोबारा अपलोड कर दी, बट यहाँ पर किस्मत थी कि हम लोगों की टीम चेंज थी गाइस, नहीं तो लोग पक्का कमेंट करते कि प्रवीण भाई सेम वीडियो अपलोड कर रहे हो यार। अब एक बार किसी ने कई लोगों ने कमेंट कर रखा है वैसे ऑलरेडी, तो ये थ्रो देख रहे हो क्या, मस्त थ्रो कर रहा हूँ मैं बहुत जल्दी में हूँ गाइस, मुझे रैंक 8 करनी है, मतलब मैं खेलता कम हूँ बट अब मैंने 5 मैच जीते, तो मुझे इतनी जल्दी कि मेरी मुझे लग रहा था कि मेरी रैंक 8 हो ही जाएगी और आप लोग को दिख जाएगी गाइस, बट ऐसा हुआ नहीं गाइस, क्योंकि अभी आप देखेंगे मैं रैंक 8 तक चला गया हूँ, बट कुछ बच गया गाइस, मतलब मुझे एक राउंड और खेलना है, और ध्यान देखेंगे रात का काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने गेम बंद कर दिया था गाइस। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग एवन एस डी गाइस, मिलते हैं भैया अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जो करना कर दो, बाय बाय गाइज़।